चलती रोडवेज बस में अचानक लगी आग, चालक ने दिखाई बहादुरी। थाना रसूलपुर क्षेत्र जाटपुरी चौराहे के पास की घटना। करीबन 50 से 60 सवारियां थी सवार, मैनपुरी से जा रही थी आगरा। नहीं हुई कोई हानि, थाना पुलिस ने भी ली जानकारी। फिरोजाबाद थाना रसूलपुर क्षेत्र जाटपुरी चौराहे के पास एक रोडवेज बस में चालक की सीट के पास अचानक आग लग गई। चालक ने सूझबूझ से काम लेते हुए बस रोक सभी सवारियों को उतार खुद ही आग को बुझाया। मौके पर थाना पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई, परंतु फायर ब्रिगेड की आवश्यकता नहीं पड़ी, सभी यात्री सकुशल हैं। बताया गया, शिकोहाबाद डिपो की बस करीबन 50 से 60 सवारियों को लेकर मैनपुरी से आगरा जा रही थी, तभी थाना रसूलपुर क्षेत्र जाटपुरी चौराहे के पास चालक की सीट के नज़दीक बस में आग लग गई। तत्काल चालक श्रीनिवास ने बहादुरी दिखाते हुए बिना घबराए बस को रोककर सभी सवारियों को उतारा, फिर जहां आग लगी थी उसको कड़ी मशक्कत करते हुए आग को स्वयं ही बुझाया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी, थाना प्रभारी रसूलपुर संघ, पुलिस टीम भी आ गई। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित है, फायर ब्रिगेड की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, आग पहले ही बुझ गई। सभी ने चालक श्रीनिवास के इस कार्य की भूरी भूरी सराहना की। चालक का कहना था कि किसी भी सवारी को कोई हानि नहीं हुई। श्रीनिवास जी, गाड़ी कहाँ से कहाँ आ रही थी? मैनपुरी से आगरा जा रही थी। किस तरह से घटना हुई है, क्या हुआ था? समाज में गाड़ी ले जा रहा था, ऑटोमेटिक आग जलने लगी। मैंने देखा तो भागा सिलेंडर की तरफ, सिलेंडर खोला और आपको कंट्रोल किया, फिर पानी मंगाया, लोगों को तसल्ली बताई और मैंने कहा चलो रुको रुको। सवारियां थी? हाँ सवारियां, इसमें 50-60 सवारियां थी। कोई जला तो नहीं? नहीं, कुछ नुकसान कोई भी किसी को हानि भी नहीं हुई है। एम्बुलेंस आई मौके पे? अभी घर में अभी तो हाल की घटना ही है। नगरवासियों को दिवाली को हार्दिक शुभकामनाएं।